वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, दिवस शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की शेविंग की शुरुआत की जाए। तो आज एक नया रेजर मैं लेके आया हूं आपके लिए, और उसी के साथ क्या क्या शेविंग प्रोडक्ट्स होंगे मैं एक एक करके आपको बताता हूं। तो आज एक और विदेशी रेजर, सो रेजोरॉक इज द नेम ऑफ द कैनेडियन कंपनी। इट इज बेस्ड इन ओंटारियो। ओंटारियो जो एक प्रांत है जो कि कनाडा में है, और ये कंपनी वहां पे स्थापित है, रेजोरॉक। तो आज इसका जो है लूपो 72, इसका जो है आज मैं आपको अपना यूजर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंडियन वेट शेविंग ग्रुप के एस्टीम मेंबर सुधीर खोकर जी, जिन्होंने बहुत ही वाजिब दाम में ये रेजर मेरे को मुहैया कराया। तो जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स करता हूं। सो इस बॉक्स को तो मैं नीचे रखूं। सो दिस इज द रेजर, रेजोरॉक लूपो 72S। अब देखिए, रेजोरॉक इज द नेम ऑफ द कंपनी, लूपो जो है उन्होंने अपना नाम दिया है इस रेजर को। नाउ 72 जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी बेस प्लेट, सो इफ यू कैन सी, अगर आपको दिख रहा है 72 जो है इसका ब्लेड गैप है। तो ये रेजर दो हेड के साथ आता है, हाँ दोनों साथ में मिलते नहीं, आपको अलग अलग खरीदने पड़ते हैं, एक 72S और दूसरा .95 mm जो ब्लेड गैप होता है, और इसका जो है .72 mm ब्लेड गैप है। और ये प्योर स्टेनलेस स्टील रेजर है, यस, और बहुत ही हाई ग्रेड 316 मरीन ग्रेड का जो स्टील होता है उस स्टील का ये बना हुआ है। तो इट्स अ यू नो पीस ऑफ आई विल से एन आर्ट, और हाथ में लेके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। टोटल वेट जो है इसका, एक्चुअली क्या है, ये लोग शेविंग हेड्स अलग से बेचते हैं और आप अपना कस्टमाइज करा सकते हो इनकी वेबसाइट में जाके इस हैंडल को। तो ये जो है, इस हैंडल का नाम है हेलो रेजर हैंडल। इनके अलग अलग हैंडल्स के नाम होते हैं और उनके डिजाइन भी अलग अलग होते हैं, लेंथ भी अलग अलग होती है, वो आप इनकी वेबसाइट में जा सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं बताऊं, अगर आपको डॉलर्स में पेमेंट करना है, अमेरिकन डॉलर्स में, तो उसके लिए आपको razorrock.com पे जाना पड़ेगा, और अगर आपको कैनेडियन डॉलर्स में पे करना है तो उसके लिए आपको italianbarber.com में जाना पड़ेगा। ऐसा मैंने इनकी बारे में जितना रिसर्च किया उससे मेरे को पता चला। और इसके हैंडल जो, ये जो हेलो हैंडल है, इसका जो वजन है वो है 60 ग्राम, और जो शेविंग जो ऊपर हेड है ये 26 ग्राम। तो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 85-86 ग्राम का ये पूरा रेजर है। एंड दिस इज बेसिकली, इसका हैंडल भी 3 पीस है, तो मतलब नीचे से ये अनस्क्रू हो जाता है। तो बस बेस फंडामेंटली ये 3 पीस रेजर है, एक आपका हैंडल, बेस सेफ्टी प्लेट और हेड, पूरी तरह से CNC, और इसके साथ ऑफ कोर्स एक छोटा सा वॉशर। तो पूरी तरह से CNC मिल्ड मशीन से बनाया गया ये रेजर है। तो इसमें जल्दी से आज ब्लेड में लोड करता हूं। आज का ब्लेड पहली बार मैं अपनी लाइफ में यूज करूंगा, और पहली बार ही अपने ऑफ कोर्स वीडियो में इसके यूजर एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और ये मैं shivalogist.com से मैंने परचेज किया है ब्लेड, 100 ब्लेड खरीदे, 365 Gillette 365। तो हमारे वेट शेविंग ग्रुप में काफी तारीफ हो रही थी इस ब्लेड की, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ट्राई किया जाए। तो आज पूरी तरह से नया रेजर और नया ब्लेड, सो लेट अस सी हाउ दिस रेजर परफॉर्म्स टुडे। सो यू कैन सी, एज पर कंपनी क्लेम्स, इट्स 0.72 mm ब्लेड गैप, और जीरो यहां पे आप देख रहे हो, कोई भी ओवरहैंग नहीं है, बट हाथ में होल्ड करते हुए बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है। एंड टॉप नॉच व्हेन इट कम्स टू बिल्ड क्वालिटी, इट इज टैंक लाइक, टॉप नॉच, क्लियर। सो 0.72 mm का मतलब हो गया, एज पर कंपनी, इट इज यू नो माइल्ड टू मीडियम एग्रेसिव, माइल्ड और एग्रेसिव के लेवल नीचे की इसमें, ऐसा मेरे को शेविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आज। और 0.95 का जो शेविंग हेड आता है
उसमें ब्लेड गैप जो है 0.95 mm का है, वो उसको कंपनी कहती है कि वो एग्रेसिव साइड है, मगर वो अभी शेयरिंग हेड मेरे पास नहीं है, फ्यूचर में कभी प्रोक्योर करूंगा तो उसके बारे में भी आपको अपने यूजर एक्सपीरियंस डेफिनेटली शेयर करूंगा। सो आज का ब्रश दुख सुख का साथी, ये हमेशा बोलता हूं मैं, पेंकफुल सिंथेटिक ब्रश, इसको एक मिनट के लिए मैं ऐसे ल्यूकवॉर्म वाटर में डुबो देता हूं, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम टुडे आई एम गोइंग टू यूज पिंक वुल्फ सी बकथॉर्न एंड एलोवेरा लग्जरी शेव सोप। देखिए इतना इतना खाली हो चुका है अभी, है वंडरफुल स्मेल। तो चलिए देर किस बात की, शुरू की जाए, शुरुआत की जाए। तो रेजर रॉक जो है ये कंपनी 2009 में इसको फाउंड किया गया, और इनके जो फाउंडर्स हैं उनके रूट्स जो हैं कहीं ना कहीं इटली से जुड़े हुए थे, और वेट शेविंग कंपनी, वेट शेविंग जो कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड, तो पिछले 11-12 सालों में इसने एक बहुत अच्छी अपनी ब्रांड वैल्यू एस्टैब्लिश की है बिकॉज ऑफ देयर क्लासी एंड ऑफ कोर्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और ये रेजर के अलावा शेविंग सोप्स, आफ्टर शेव जेल, आफ्टर शेव स्प्लैश, और भी बेस्ट शेविंग से रिलेटेड जो एसेसरीज है वो ये कंपनी बनाती है। थोड़ी सी बूंदे डाली मैंने पानी की, तो 30 से 35 स्वर्ल्स, 30-35 swirls are more than enough to lift the proper amount of soap. चले लेट्स क्रिएट लादर। देखिए कई बार लोग, मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग मेरे से पूछते हैं कि प्रीशेव ऑयल के बाद लादर क्रिएट करने में दिक्कत होती है, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप एकदम से प्रीशेव ऑयल लगा के फिर लादर ना बनाएं, 1-1.5 मिनट के लिए ऑयल को ऐसे ही रह दीजिए, या फिर बहुत ज्यादा भी ऑयल का इस्तेमाल ना करें, कुछ बूंदे। तो ये तो रेजर ऑफ कंपनी है, ये अलग अलग नामों से अलग अलग डी रेजर्स को मार्केट करती है। इनकी लूपो सीरीज जिसके बारे में भी आपने बताया, मैंने बताया आपको, उसी के साथ एक इनका गेम चेंजर जीसी, वो भी बहुत पॉपुलर है। फिर इनका मांबा, एक मांबा रेजर आता है। फिर शायद इनका एक ब्लैक हॉक भी है, आई थिंक वो इंजेक्टर स्टाइल रेजर है। बट यस, दे आर नोन फॉर मेकिंग सुपर क्वालिटी स्टफ, नो डाउट अबाउट दैट। और अगर आप उनका ध्यान से इस्तेमाल करते हैं, देखरेख अच्छी करते हैं, तो दे आर बिल्ड टू लास्ट।
तो धीरे धीरे मैं और भी विदेशी शेविंग गेल्स, जिसमें सोप हैं, रेजर्स हैं, आफ्टर शेव लोशन है, आफ्टर शेव स्प्लैश है, आफ्टर शेव बाम है, और जिन्हें शेविंग की दुनिया में बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, उस तरह के प्रोडक्ट्स मैं प्रोक्योर करने की कोशिश करूँगा और उनके बारे में अपने यूजर एक्सपीरियंस, अपने रिव्यूज डेफिनेटली आपको बताऊंगा। और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो देसी कंपनियां जो प्रोडक्ट बना रही हैं वेट शेविंग रिलेटेड, उनसे वो कितने अलग हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंपनियां जो अपने चैनल्स को देखती हैं, तो उनको भी अपने प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने का मौका मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन लादा बनाया इसने। टेंगफोर्स के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी मैंने अभी तक यूज किए हैं, मोस्ट ऑफ देम दे हैव गिवन मी 100% सेटिस्फेक्शन, कीपिंग इन माइंड द काइंड ऑफ प्राइस आई हैव पेड। तो सुबोध शर्मा जी जो इसके फाउंडर हैं, इस कंपनी के, उन्हें बहुत बड़ा क्रेडिट इंडियन शेविंग कम्युनिटी को डेफिनेटली देना चाहिए, जिन्होंने हमें बताया कि थोड़ा यूज तो करो यार मेरे प्रोडक्ट्स और फिर मजे लो इनके। तो ट्रूली अफोर्डेबल प्राइसेस में एक लग्जरी प्रदान करते हैं। तो चलिए मैं अपनी बातें कम करके अब मुद्दे पे आ जाता हूं। तो रेजर रॉक लूपो 0.72S रेजर, 0.72 मतलब इसका जो ब्लेड गैप है और इसका पहला पास, और आज इसमें पहली बार मैं यूज कर रहा हूं जिलेट 365 ब्लेड। सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। फर्स्ट पास विद द ग्रेन, एकदम से अपने को रोकता हूं, एकदम से मेरे को बोलना नहीं चाहिए। लेट मी सी फर्स्ट। सो यू कैन सी द गंक। यार एक बात तो है, मेरे को ब्लेड बाइट का ज़्यादा पता नहीं लग रहा है और बहुत ही एफिशिएंटली मेरी स्ट्रबल को ये रिमूव कर रहा है।
दोस्तों कुछ पता नहीं लग रहा है कि मेरी शेव कैसे बनी, हाउ एफिशिएंटली दिस रेजर हैज रिमूव्ड माय स्टबल। यार ये तो कमाल की बात हो गई आज, और मेरे को तो लग रहा है मैंने दूसरा पास कर डाला है। आई एम डेफिनेटली नॉट एग्जैजरेटिंग, आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल मक्खन जैसी शेव बनाई है फर्स्ट पास में। तो नो डाउट ब्लेड का भी काम है। चलिए बिफोर आई प्रोनाउंस एनी जजमेंट अबाउट द ब्लेड, सेकेंड पास भी करी डालते हैं। देख लीजिए तीन पास का, तीन पास से भी ज्यादा आप चला सकते हो, इतना बढ़िया ये कमाल का सोप है। इतना सा मेरे को वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन। अल्ट्रा स्मूथ शेप और स्लिकनेस अभी भी बाकी है सोप में। इस सोप की बात मैं बताऊं तो इसमें मीडियम लेवल की स्लिकनेस रहती है, नो डाउट अबाउट दैट। कभी कभी रेजर बहुत स्मूथ चलता है, अभी एक वीडियो में जॉय भाई ने कहा कि पता नहीं लगता है बिल्कुल भी, ना बाइट पता लगती है, मगर फिर भी वो एक जलन होती है, एक इरिटेशन होता है हल्का सा। तो असली एसिड टेस्ट तो इसी का है, तो लेट मी सी, अदरवाइज मेरी उम्मीदों से कहीं बेहतर इस रेजर ने परफॉर्म किया। लेट मी सी नाउ, तो बर्न तो है इस एरिया में, इस एरिया में हल्का सा यहां पे बर्न है हल्का सा, दैट मे बी बिकॉज ऑफ ब्लेड ऑल्सो। सो लेट्स कम टू पोस्ट शेव।
आज का पोस्ट शेप बाम पिंक फुल काई सी बगथान एलोवेरा सो दिस मच इज इनफ। लाजवाब। तो जल्दी से आते हैं आप रिजर्व के ऊपर जो आज का मेन मुद्दा था हमारा डिस्कशन का और ऑफ कोर्स यूजर एक्सपीरियंस का। तो इसको यूज करके मैं तो भैया मंत्रमुग्ध हूं। जितनी तारीफ सुनी थी इसकी अपने शेविंग ग्रुप में इंटरनेशनल ब्लॉक्स में उससे कहीं बेहतर निकला ये। और जो अपने इंडियन रेजर मैन्युफैक्चरर हैं, मार्केटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहा हूं। अब बड़ा अच्छा आसान होता है यहां पे बोलना, मगर फिर भी मैं एक सलाह उनको देना चाहूंगा कि अब वो प्रोडक्ट्स की रेंज को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिफाई ना करते हुए सिर्फ क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। और मैं आज भी वेट कर रहा हूं कि पूरी तरह से सीएनसी मिल्ड स्टेनलेस स्टील रेजर अब हमारे हाथ में आना चाहिए। पार्कर वालों का है एक, आई थिंक 64S शायद, मगर उसका हैंडल ही पूरी तरह से वो 316 ग्रेड स्टील का है, बट शेविंग हेड वो अभी भी वो अलॉय का है, जिंक अलॉय का है। और जो हमारे लीड मैन्युफैक्चरर हैं पर्ल शेविंग इंडस्ट्री, वो बहुत ही बेहतर ना बहुत अच्छे दामों में हमें रेजर उपलब्ध कराते हैं। हाल ही में हमने ब्लेज और लास्ट टू लास्ट ईयर उनका जो है पर्ल फ्लेक्सी को यूज किया, मगर वो अभी भी जो है ब्रास के बने हुए हैं पूरी तरह से, सीएनसी मिल्ड है नो डाउट। तो मेरी गुजारिश है कोशिश करें कि एक रेजर एक इस तरह का भी बनाए स्टील का। मेरी दीपेश भाई से बात हुई थी बीच में तो कहते बहुत ही महंगा प्रोसेस पड़ता है ये, आई कैन अंडरस्टैंड। और हमारे अभी भी मानसिकता वही है कि हम देसी प्रोडक्ट को उस तरह से सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं इस तरह का एक हैलोड इफेक्ट होता है। बट मैं सही बताऊं, ये जब यूज करोगे आप लोग तो आपको वो मजा डेफिनेटली आने वाला है। तो आई विल गिव इसको मैं 5 out of 5 दूंगा, मगर कई और दूसरे जो ब्लेड्स हैं उनके साथ भी इनको मैं यूज करूंगा, फिर देखता हूँ इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो और इसको कंपैरिजन भी करेंगे अपने देसी इंडियन रेजर्स के साथ, बट टोटली सेटिस्फाइड विद दिस लूपो रेजर ऑफ लूपो 72S रेजर, फंटास्टिक दिस रेजर टुडे मेड माय डे। सो दोस्तों ये था आज का इस रेजर के ऊपर फोकस रिव्यू। कोई भी सजेशन आपकी तरफ से इम्प्रूवमेंट के लिए वीडियो में या फिर कंटेंट में तो मैं गुजारिश करता हूँ, जरूर जो है मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपनी शेविंग कम्युनिटी, आपकी जो भी अपने दोस्तों के साथ जिनको शेविंग और इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है। और जिस तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मेरा मोटिवेशन भी इस तरह के वीडियोज़ बनाने में लगातार जारी रहेगा। जो ब्लेड है वो 0365, ये आम दुकानों में मैंने देखा नहीं है, तो ये shivologist.com में आप जाके मंगा सकते हैं। आई थिंक 250-300 के अंदर आपको 100 ब्लेड आते हैं ये। तो नॉर्मली मैं 2 से ज़्यादा तो यूज़ भी नहीं करता, आप देखते हैं कितनी शेव देता है। मगर इसने जो बीइंग ऑनेस्ट जितना मैंने सुना था ना इसके बारे में कि ये बहुत ही अल्ट्रा क्वालिटी का है, ये सब चीज़ें इतने कम दाम में बहुत अच्छा रहा है, ऐसा तो मेरे को नहीं लगा। अभी भी मैं अगर इसको विल्किंसन सोर्ड से कंपेयर करूं तो विल्किंसन सोर्ड कहीं ना कहीं 20 के लेवल पे है और ये 18.5 के लेवल पे है। और इसमें जो है स्मूथनेस और शार्पनेस की अगर मैं बात करूं तो स्मूथ मेरे को विल्किंसन सोर्ड का जो जिरेट विल्किंसन सोर्ड आता है अपना प्लेट, वो स्मूथ थोड़ा ज़्यादा है इसके लेवल से, शार्प डेफिनेटली ये भी शार्पर उतना ही है। तो बट स्टिल आई विल से इट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, तो इफ यू वॉन्ट टू ट्राई यू कैन डेफिनेटली ट्राई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I wish you all the very best and happy day ahead. उसी तरह से आप अपने परिवार वालों का अपना ध्यान रखते रहिए, यही मैं आपसे चाहूंगा। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय सायनारा जय हिंद टेक केयर।